You just cannot say no every time. अच्छा, नो से प्रॉब्लम है? Yes. नहीं कैसा रहेगा? I mean, हिंदी भी है और... यार, प्लीज, अभी मन नहीं है. Listen, you should start spending money. अरे करता तो हूँ यार, कल ही बिजली का बिल भर के आया हूँ. 2 रुपए यूनिट बढ़ गया है, पता है? पता नहीं क्या चल रहा है देश में अभी. Idiot, I'm saying, अपने ऊपर खर्चो. हाँ तो पंखा मेरे ऊपर ही तो चलता है, उसी का बिल भर के आया हूँ कल. हे भगवान. वेरी रूड यार, तू इंग्लैंड क्या गई भगवान को हे बोल के एड्रेस करेगी? भगवान को हे हाय हेलो ये सब नहीं बोलते, बल्कि सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और... पागलों वाली बातें करते हो यार, 10 साल से गाड़ी तक नहीं बदली तुमने. यार ऐसे तो 10 साल से हम भी साथ ही हैं. I mean, I didn't mean it that way. No, I know what you mean. पैसा बैंक में रखने से क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है तुम्हें? तुम्हें अलमारी में कपड़े रखने से क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है? I use those clothes. पड़े ही नहीं रहते. हमारा पैसा सिर्फ पड़ा है बैंक में. हाँ तो वही यूज करेंगे ना जहाँ जरूरत हो. अब तुम्हारे पास साड़ी है, हम मॉलडीव जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि तुम बिकनी छोड़ के ब्लाउज पहन लोगी, क्योंकि भाई साड़ी तो पड़ी हुई थी तो यूज कर ली. ऐसे हर चीज यूटिलाइज नहीं कर सकते. शट अप. मॉलडीव्स कह के गोवा लेके गए थे मुझे. यार रेत और पानी तो गोवा में भी मिलता है, जरूरी मॉलडीव जाना है? हाँ तो थोड़ी सी रेता ला के बाथरूम में रख दो और पानी चला दो, वहाँ बैठा करेंगे. अरे नहीं यार. नहीं नहीं वैसे ही करेंगे हम. अबे नहीं. क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसमें? यार आवाज बहुत इको करती है यार बाथरूम में, और तब बड़ा भी नहीं है और सीट भी है वहाँ पे, पॉट और इंडियन पॉट है मेरे बाथरूम में, तो अच्छा लगेगा. तू आधी अंदर घुसी होगी, वहाँ कैसल बना रही होगी सैंड का. नहीं यार. दिस इज इनसेन सेड. लिसन, पैसा आता जाता रहे ना तो सही रहता है. हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ. अब देख, कल पार्थ की पेमेंट आई, मैंने जमा करा दी, पैसा आया और चला गया, हैशटैग आता जाता. और अगर मैं होती तो आई वुड हैव गिफ्टेड मायसेल्फ समथिंग. खुद को गिफ्ट कैसा लगेगा? एक हाथ से गिफ्ट लेके आ रहे हो, नहीं 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 नहीं, अरे लीजिए पहली बार. अरे नहीं 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 नहीं, हम नहीं ले सकते. अरे गिफ्ट तो बनता है यार, ये कैसा लगेगा यार? यू नो ना, यू आर नॉट मेकिंग सेंस. आज तक हम एक भी अच्छे डिनर पर नहीं गए. झूठी, लास्ट मंथ ही मेरे घर पे जो डिनर था तब तो मम्मी को कह रही थी दिस इज द बेस्ट डिनर, उंगलियां चाटती रह गई थी तू. मैं तो जो इशारा कर रहा था मत कर, अजीब लग रही है, फिर भी तेरे को तो समझ नहीं आया. पैक करा के लेके गई थी तू भिंडी, मेरा फेवरेट विनी द पू वाला वापस भी नहीं किया तूने टिफिन. या यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग कि किसी अच्छे होटल में. ओ शट अप, लास्ट डिसंबर अभी श्वेता का बर्थडे था, वहाँ लेके नहीं गया था तुझे? जा परे हो जा सोनिए, साड़ी रेल गड्डी आई, ये गाना चल रहा था, सारे ऐसे सर्कल में नाच रहे थे. जब रोहन ने तुझे पीछे से चुंडी मारी थी तो बातचीत बंद हो गई थी हमारी. अरे तेरे को याद नहीं है यार, तू गुलाब जामुन पे आइसक्रीम डाल के खा रही थी, सब पागल पागल कह रहे थे तुझे. इतनी अच्छी पार्टी तो थी यार. ओके, बहुत अच्छी यादाश है तुम्हारी. नो इफ नो जट ओनली बट. तुमने अपनी जेब से वहाँ क्या खर्चा किया था सेठ? अरे वो गुड लक वाला प्लांट मैं ही तो लेके आया था, जिसमें वो तूने कहा था ना कि श्वेता को बोल देना पानी नहीं चेंज करना, बस डालते रहना है. यार तुम हर बात पे उल्टा जवाब क्यों दिए जा रहे हो? यार राइटर ने यही लिखा था. What? Nothing. यार देख, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, खर्चने चाहिए पर उड़ाने तो नहीं ना यार. आई अग्री, पर तुम खर्चते भी कहाँ हो? When was the last time you bought me a gift? तुम्हारे बर्थडे पे? हाँ, वो गिफ्ट जो रीवा दी से लेके आए थे, जो उनके हस्बैंड अमेरिका से लेके आए थे क्योंकि उनको डिस्काउंट मिला था. And have you paid her back? यार बहन है वो मेरी यार. ओके, बहन है ना तुम्हारी, तो तुमने उनके बर्थडे पे उन्हें क्या दिया था? यार मैंने उनसे बहुत बार ही पूछा कि क्या चाहिए बर्थडे पे, उन्होंने कहा कुछ नहीं है मेरे पास सब कुछ. मैंने कहा नहीं फिर भी बता ना क्या चाहिए, कहती नहीं कुछ नहीं. मैंने कहा यार प्लीज बताना, कहती कुछ नहीं. अब मैं 4 घंटे तक मार्केट में घूमता रहा कुछ नहीं ढूंढने के लिए, हर दुकान पे जाके मैंने पूछा बट था ही नहीं, मिला ही नहीं मुझे. वाओ, एक्चुअली तुम्हारा सर जाता है ऐसे जोक मार के, लेकिन अगर तुमने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया ना देन आई वोंट मैरी यू. यार ऐसे मत बोल यार, देख गुस्सा कर ले पर शादी भी जरूर कर ले. आई एम सो ग्लैड यू सेड समथिंग गुड. वैसे, are you really that desperate for marriage? Yeah, I am. दिल से, sorry, दिल से. Aww, thank you. But
You know why? क्योंकि अभी सिर्फ 20 लोगों में हो जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शंस हट गई कोविड की तो पता नहीं कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा। पर प्लेट कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा यार? You're such a jerk, Sid. पैसा, पैसा, पैसा. Do you think about anything else except money? क्योंकि मिलती है मुझे पैसे से खुशी। जब पापा हॉस्पिटल में थे ना, it was the money that saved him. But अंकल का तो हेल्थ इंश्योरेंस था ना? हाँ था, मैं ही कराता था, बस इस साल नहीं कराया। क्यों? यार हर साल वेस्ट चले जाता था यार, कभी कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा एक साल नहीं कराऊंगा तो क्या जाएगा, मुझे क्या पता था इसी साल अपेंडिक्स और हार्ट प्रॉब्लम इकट्ठे हो जाएगी। ओ, मुझे लगा था अपेंडिक्स पहले हुआ था एंड हार्ट प्रॉब्लम आई गेस बाद में, इकट्ठा तो। यार इकट्ठे मतलब अगले दिन हुई थी हार्ट प्रॉब्लम अपेंडिक्स निकलवाने के बाद, जब पता चला उन्हें। क्या? ये कि ऑपरेशन बिना इंश्योरेंस के हुआ है। I am a dead person. Sid, just get lost, man. I mean, bye. I know I should die. वैसे guys, no matter what, get your insurance done. And pray करो उसकी कभी जरूरत ना पड़े तुम्हें life में। वैसे एक मिनट, टीजे तो नाराज होकर चले गई। आप लोग प्लीज बताओ शादी ज्यादा लोगों में होनी चाहिए या कम? कमेंट्स में लिखो, उसको पढ़ाऊंगा मैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो यार, हम ना लॉकडाउन में बहुत मुश्किल से वीडियोस बना रहे हैं बस इसलिए ताकि आप घर बैठे बैठे एंटरटेन हो सको। अब आप बदले में हमारी मंदिर की मतलब हमारे चैनल की घंटी तो बजा दो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, बाय बाय।